नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बैली वर्कआउट्स प्लस बूटी वर्कआउट्स बताऊंगा, तो इससे आप लोग अपने बूटी को टॉन बना सकते हैं और साथ ही यह हम लोग कहें ग्लूट्स को टॉन बना सकते हैं और आप लोगों के बैली को आप लोग स्लिम फिट कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्कआउट्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप लोग अगर 5 दिन लगातार कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो 10 मिनट का ये वर्कआउट आप लोगों को बहुत अधिक फायदा देगा और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हैं घर पर बैठे बैठे ही जो है टोंड बन जाएंगे, स्लिम फिट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने हर एक पार्ट को नरिशमेंट देना होगा, उसे टोंड बनाना होगा। तो बॉडी का एक एक पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बूटी आप लोगों के लिए, आप लोग कहें आप लोगों के लिए ग्लूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के जो एब्स हैं वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स कितने सेकेंड्स के लिए आप लोगों को करने हैं। हर एक वर्कआउट के बीच में आप लोगों को 10 मिनट का गैप दिया जाएगा, उसमें आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। तो इन बिटवीन आप लोग जो हैं आप लोगों को एक रिलीफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्कआउट अगर हम लोग बात करें तो वो है कि आप लोगों को 20 सेकंड के लिए करना है और इस वर्कआउट में आप लोगों को दोनों हाथों से अपने पैरों के जो अंगुलियां हैं उनको आपस में टच करना है। तो सीधा लेट जाइए और साथ में आप लोगों को अपने पैर भी खड़े करने हैं और अपनी जो है गर्दन को भी ऊपर की ओर लेकर जाना है, जैसा वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया है। 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं, दूसरे वर्कआउट से आने से पहले आप लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। दूसरा वर्कआउट हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लीजिए, आपस में टच कर लीजिए। अब एक हाथ से अपने दोनों पैरों को आपस में दोनों पैरों की उंगलियों को टच कीजिए या दोनों पैरों को एक कॉन्स्टेंट पोजिशन पर रख लीजिए और दोनों हाथों से पैरों को टच कीजिए। तो ये भी 20 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है, ठीक है। अब 10 सेकंड का फिर से रेस्ट लेते हैं। 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों के लेग्स को टोन बनाने में मदद करता है क्योंकि ये रिलीफनेस देता है, बूटी को एक अच्छा लुक आप लोगों के देता है। नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि थर्ड वर्कआउट आप लोगों के लिए है, इसमें भी आप लोगों को 20 सेकंड के लिए करना है ये वर्कआउट। इसमें दोनों पैरों को आपस में जो है पास में रखना है। अब एक पैर को फैलाते हुए नीचे झुकते हुए पैरों की उंगलियों को टच करना है, तो इससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो टोंड बनेंगे और आप लोगों की साइड वैली भी रिड्यूस होगी, ठीक है। ये वर्कआउट कंप्लीट होता है, फिर से 10 सेकंड का रेस्ट जो है वो कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की बूटी अगर आप लोगों को चाहिए है, लेग्स जो है अच्छे रखने हैं, तो ये वर्कआउट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, तो ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं हर एक वर्कआउट के इन बिटवीन जो है जंपिंग जैक्स को डाल देता हूँ। जंपिंग जैक्स कैसे करना है ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसमें आप लोग जो ओवरऑल बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को ऊपर मिलाते हुए जो है आप लोगों को जंपिंग जैक्स करना है। अब बात करते हैं फिर से रेस्ट की। रेस्ट कर लीजिए और बूटी को टोंड बना लीजिए। बूटी को टोंड बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों के लिए, वही 20 सेकंड का है, नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को नीचे झुकते हुए दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है। अब नीचे झुकते हुए एक कमर पर हाथ लगाते हुए आप लोगों को अपने पैरों की अंगुलियों को टच करना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये भी 20 सेकंड के लिए आप लोग नेक्स्ट वर्कआउट कर सकते हैं। अब फिर से आप लोगों के पास 10 सेकंड का रेस्ट आ जाता है। रेस्ट में आप लोगों को जितना आराम आप लोग करना चाहें उतना आराम आप लोगों को करना होता है, या हम लोग कहें कि एक आराम आप लोगों की मसल्स को मजबूती देता है। नंबर सिक्स एक्सरसाइज की बात करें हम लोग, इसमें आप लोगों को स्पाइडर प्लांक के साथ टी रोटेशंस बनाना है, ठीक है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग जो है 20 सेकंड्स के लिए ही करेंगे। तो स्टार्टिंग के जितने भी वर्कआउट्स हैं वो सारे के सारे 20 सेकंड्स के ही हैं। तो चलिए कंटिन्यू करिए इस वर्कआउट्स को और उसके बाद में आप लोग रेस्ट ले लीजिए 10 सेकंड का। 10 सेकंड के रेस्ट में आप लोगों को आराम करना है मसल्स को मजबूती देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की बूटीज को टोन बनाने के लिए, आप लोगों की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। नंबर सेवन एक्सरसाइज है, नंबर सेवन एक्सरसाइज भी 20 सेकंड्स के लिए है। इसमें एक प्रकार का जैक्स है और या हम लोग कहें कि आप लोगों का स्क्वाट जंपिंग्स है कि आप लोगों को स्क्वाट करना और फिर जंप लगाना है, स्क्वाट करना और जंप लगाना, ये आप लोगों की ओवरऑल बॉडी को टोन बनाएगा, पूरी बॉडी को टोन बनाने में मदद करेगा, इवन आप लोगों की जांघों को भी मजबूत करेगा। तो बूटी के लिए वर्कआउट है और आप लोगों के एब्स के लिए वर्कआउट है। तो अगर आप लोग एक गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं तो अपने बॉडी पार्ट के हर एक पार्ट को आप लोगों को सुंदर रखना होगा,
नंबर 8 एक्सरसाइज की हम लोग बात करें, ये है आप लोगों के लिए अप डाउन प्लैंक, और अप डाउन प्लैंक को भी आप लोगों को 20 सेकंड के लिए करना है, हाथों को मजबूती देगा, साथ ही आप लोगों के एब्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिन को भी जो है टॉन्ट बनाएगा। तो ये 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में फिर से रेस्ट आप लोगों को लेना है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हेल्दी लाइफ है आप लोगों के लिए। और मैं ये कहूँगा कि गुड लुकिंग दिखना है तो अपने आप को फिट भी रखिए। नेक्स्ट है 9th एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को हाई नीज करनी है। हाई नीज आप लोगों के थाइज मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, कार्डियो वर्कआउट भी है, और आप लोगों की बैली को भी बहुत जल्दी स्लिम कर देती है, और इवन ग्लूट्स को भी टोन बनाने में आप लोगों की मदद करती है। तो ये सभी वर्कआउट्स हैं, इनके टारगेट मसल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये कंप्लीट होता है 20 सेकंड, और फिर से 10 सेकंड का रेस्ट आ जाता है आप लोगों के बीच में, तो आराम कर लीजिए। और क्योंकि मसल्स को मजबूती देने के लिए ज़रूरी होता है रेस्ट लेना, ताकि वो उसे रिकवरी मिल सके। अब फिर से एक नया वर्कआउट यानी कि 10th एक्सरसाइज आप लोगों के पास है, और वो है स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट से बूटी जो है वो बहुत जल्दी टॉन्ट बनने में आप लोगों की मदद मिलती है, एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाता है, बूटी बाहर निकलकर टॉन्ट बनने में, यानी कि उसको एक अलग लुक जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही बूटीज जो है आप लोगों की हों, या हम लोग कहें ग्लूट्स मसल्स जो है मजबूत हों या टॉन्ट बने, तो आप लोगों को ये वर्कआउट्स जो है सुबह उठकर ज़रूर करने चाहिए। तो 30 सेकंड का रेस्ट पूरा होता है। अब हम लोगों ने इन बिटवीन डाला है स्ट्रेच, तो नंबर 11th एक्सरसाइज है स्ट्रेच, जो आप लोगों की ग्लूट मसल्स को टोन्ड बनाने में बहुत अधिक मदद करती है, इवन आप लोगों की वैल्यू को भी रिड्यूस करती है। तो ये कम्बिनेशन है 2-in-1 एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज को आप लोगों को 30 सेकंड के लिए करना है, ठीक है। तो हो सके तो अपने पूरे पैर को, अपने पैर के तलवे को अपनी जो सर है उससे आप लोगों को टच करना होता है। तो इससे देखिए ग्लूट्स में कितनी जो है स्ट्रेच आप लोग देखने को मिल रही है, और साथ ही बैलीज में भी स्ट्रेच देखने को मिल रही है। अब फिर से रेस्ट आप लोग ले सकते हैं 10 सेकंड के लिए, डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आराम करना और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 12 एक्सरसाइज है, ये भी 30 सेकंड के लिए आप लोगों को करनी है। इसमें आप लोगों को गर्दन जो है वो सरफेस से ऊपर रखनी है, एक पैर का घुटना मोड़ते हुए जो है अपने चेस्ट की ओर लाना है, और दोनों हाथों से उसको टच करना है आपस में, ठीक है। तो ये वर्कआउट करने से आप लोगों की बैली जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होती है, और रेक्टस एब्डोमिन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो अगर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनानी है, एब्स जो है स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो ये वर्कआउट्स आप लोग सुबह उठकर कीजिए। फिर से आ जाता है रेस्ट टाइम, और रेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। नेक्स्ट वर्कआउट भी आप लोगों का रहेगा 30 सेकंड्स के लिए, और इसमें आप लोगों को क्या करना है, यानी कि 13 एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, एक पैर को 90 डिग्री के ऊपर उठा लीजिए, दूसरा जो है आप लोग फ्लैट रख लीजिए। अब एक पैर का जो घुटने का पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि जांघों वाला हिस्सा, उसको आप लोग आपस में दोनों हाथों से बाइंड कर लीजिए, और अब आप लोगों की गर्दन को अप एंड डाउन कीजिए। तो इससे आप लोग जो है अपनी बैली को स्क्वीज कर सकते हैं अंदर की ओर, टारगेट मसल्स जो रहेगी आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, और इवन आप लोगों की हेमिस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट मसल्स भी रहेंगी। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं। अब 10 सेकंड का रेस्ट आ जाता है। रेस्ट टाइम जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, अपनी मसल्स को मजबूती देने के लिए, अपनी मसल्स को टोन बनाने के लिए। नंबर 14 एक्सरसाइज है, 14 एक्सरसाइज भी आप लोगों को 30 सेकंड के लिए करनी है। इसमें आप लोगों को एक प्रकार की क्रंचेस आप लोगों को करना है, लेकिन ये लेग क्रंचेस आप लोगों को करने हैं। इसमें आप लोगों की गर्दन जो है वो थोड़ी सरफेस से ऊपर रहेगी, और अपने एक पैर का घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाएं, दूसरे फिर उसको फ्लैट कर लीजिए, और दूसरे पैर का घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाएं, ठीक है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग ले लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। और नेक्स्ट वर्कआउट से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना और बूटी को स्ट्रॉन्ग बनाना इसका टारगेट है इस पूरे वीडियो का। तो नंबर 15 एक्सरसाइज आप लोगों की रहेगी। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये भी 30 सेकंड के लिए दोबारा मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो वही एक्सरसाइज है सेम। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पैर को एक पैर जो है वो से फ्लैट रखना है, दूसरे पैर को आप लोगों को 90 डिग्री के ऊपर उठा लेना है। अब अपनी गर्दन को जस्ट उस घुटने के पास में लेकर आना है। अब फिर से 30 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग लीजिए रेस्ट, और रेस्ट टाइम को आप लोग जो है 10 सेकंड तक ही रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, अगर बूटीज को और अपने रेक्टस एब्डोमिन को अच्छा रखना है। तो नंबर 16 एक्सरसाइज है आप लोगों की।
इसमें क्या करना है, आपने एक पैर को 90 डिग्री के ऊपर रखना है। अब एक पैर को जो फ्लैट है उसको ऊपर की ओर लेकर आना है, यानी कि लेग रेज करना है, और अपनी गर्दन से गर्दन को ऊपर उठाते हुए घुटनों की ओर लेकर जाना है। तो इससे भी एक प्रकार का क्रंच है, लेकिन ये आप लोगों का लेग रेज विद क्रंच है। तो ये आप लोगों की मदद करता है आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मजबूत बनाने में, टोंड बनाने में, और बूटी को भी सुंदर बनाने में, बूटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ग्लूट मसल्स को, या चाहे वो अबडक्टस मसल्स हो या हेमस्ट्रिंग मसल्स हो, ग्लूट मसल्स कोई भी हो, उसे भी आप लोग जो है टोंड बना सकते हैं। नंबर 17 एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये आप लोगों को करनी है 40 सेकंड्स के लिए। 17 एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है कि अपने एक हाथ में बोतल रखनी है, आप लोगों को पता है, और इस जिस हाथ में बोतल आप लोगों की रहेगी उसी की जो है आप लोगों को कोहनी मोड़ते हुए अपने पैर की जो घुटना है उसको मोड़ते हुए एक साथ जो है दूसरे की ओर लेकर आना है। दूसरा पैर जो है, जो कि राइट साइड का पैर है, वो आप लोगों का घुटना जो है वो सरफेस पर रहेगा, उसका पैर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि एडी ऊपर रहेगी और जमीन पर एकदम फ्लैट पोजीशन पर रहेगा। हाथ जो है वो आप लोगों का राइट हैंड साइड वाला, जो कि घुटना मुड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों का उस पर रहेगा। तो बूटी को अच्छा रखने के लिए, या आप लोग कहें टोन बनाने के लिए, फिगर को गुड लुकिंग रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है। तो 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्कआउट इसी के साथ हम लोग करते हैं 18 एक्सरसाइज। अब दूसरे हाथ में आप लोगों को बोतल रखनी है और दूसरे का घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को दोनों को घुटना और कोहनी को साथ में लेकर आना है। तो इससे क्या होगा, जो आप लोगों की ग्लूट मसल्स हैं, जो मैक्सिमस मसल्स और मीडियस मसल्स होती हैं, वो आपस में स्ट्रॉन्ग बनने लगती हैं। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बनने लगेगी तो आप लोगों का पूरा ग्लूट मसल्स जो है वहाँ पर मसल्स मास बनने लगता है और एक्स्ट्रा चर्बी जो है वहाँ की हटने लगती है, तो वो ग्लूट मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और टोंड बनने लगती है। तो बॉडी को टोंड बनाने के लिए ज़रूरी है सभी एक्सरसाइजेस को सही समय पर करना और सही समय के लिए करना। तो अगर आप लोगों को रेस्ट आप लोगों को 10 सेकंड के लिए करना है, इंजॉय कीजिए, और बूटीज़ को लेकिन अच्छा रखिए, एब्स को अच्छा रखिए, बैलीस को टोंड बनाते रहिए। अब नेक्स्ट वर्कआउट 30 सेकंड्स के लिए है, 19 एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सेम वही एक्सरसाइज मैंने इसमें डाली है। एक पैर जो है वो 90 डिग्री पर आप लोग खड़ा करके रखें, यानी कि 90 डिग्री पर हवा में रहना चाहिए, और दूसरा पैर जो है फ्लैट पोजीशन पर रहना चाहिए। अब दूसरे पैर को आप लोगों को जो 90 डिग्री के पास है उससे क्रॉस पर लेकर जाइए और गर्दन को ऊपर उठाते हुए घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है। अब आप लोगों का रेस्ट टाइम आ चुका है, 10 सेकंड के लिए रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, मसल्स को आराम दीजिए, और मसल्स को आराम देना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट में, यानी कि प्लैंक बर्ड पोजीशन। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक हाथ के ऊपर जो है वेट रखना है। तो दोनों पैरों को थोड़ा फैला लीजिए और हाई प्लैंक पोजीशन पर आ जाइए। अब आप लोगों को एक हाथ को हवा में उठाना है, फिर नीचे की ओर लेकर आना है, फिर अल्टरनेटिव लेग्स को ऊपर उठाना है और फिर नीचे की ओर लेकर आना है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं, और इस वर्कआउट को करने के लिए भी आप लोगों को सेम टाइम जो है, जो आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर चला हुआ है, उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है। 10 सेकंड का रेस्ट आ चुका है, फ्रेंड्स के साथ आपस में टॉक कर लीजिए, बात कर लीजिए, और थोड़ा आराम दे लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्कआउट यही वर्कआउट है, और वो भी 30 सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये 22 एक्सरसाइजेज हैं जो कि कंप्लीट होती हैं, और ये वर्कआउट्स अगर आप लोग करते हैं सुबह उठकर, तो आप लोगों को बूटी और बैली को अच्छा रखने में, टोन बनाने में आप लोगों की हेल्प कर सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन तो प्रेस करना भूलिएगा ही नहीं। धन्यवाद।